गोला थाने की पुलिस टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की पहचान नीरज कुमार पुत्र कमलेश निवासी भीटी थाना बेलीपार, जो वर्तमान समय में गोड़सरी थाना बांस गांव में रहता है, और मिंटू कुमार पुत्र सुलक प्रसाद निवासी गोड़सरी थाना बांस गांव जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। पुलिस टीम ने गिरफ्तार अभियुक्तों की जमा तलाशी में उनके पास से 1 अदद पिस्टल 32 बोर व 2 अदद जिंदा कारतूस 32 बोर और 3 अदद मोबाइल फोन बरामद किया है। इस संबंध में SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि गोला थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा गोला कस्बा स्थित चंद चौराहे पर वाहन चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक मोहम्मद कादिर, विवेक कुमार मौर्य और हेड कांस्टेबल शेष राम चौधरी और राम आशीष प्रसाद शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, इतना काम बढ़ जाता पकड़ने के बाद सर, परेशान हो गया तो क्या हुआ? अब तो है ही है, उनके पास जो मिला। बांसगांव थाना क्षेत्र के रहने वाले 2 नौजुवक मोटरसाइकिल सवार, ये चंद चौराहा थाना वो कस्बा गोला क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पकड़े गए हैं। तलाशी में इनके पास से 1 तमंचा 2 कारतूस बरामद हुआ है, जिसके आधार पर इनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है और इन्हें माननीय न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है। सर, इनका कोई आपराधिक इतिहास भी पता चला है? अब इनकी छानबीन और आगे की जा रही है, अभी फिलहाल फौरी तौर पे चेकिंग के दौरान पकड़े गए हैं और गिरफ्तारी तथा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कार्यवाही हो रही है। आपराधिक इतिहास की जानकारी विवेचक द्वारा आगे की जाएगी।